फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है एक्सप्लेनेटरी अध्ययन प्रकाशित वाक्य का कर रहे हैं, और प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु की बातों को समझ पाएं और न सिर्फ अपने इस जीवन में आशीषित हों, वरन हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित हों। मैं स्वयं प्रभु में, मुझे आए हुए करीब 38 साल हो गए हैं, 38 ईयर्स, और 38 ईयर्स में से 225 साल से ज़्यादा सिर्फ प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और गवाहियों से संबंधित बातों को मैं प्रभु के चरणों में सीखता रह रहा हूँ, आगे भी सीख रहा हूँ। सो मुझे जितना प्रभु ने बताया, मैं चाहता हूँ वो बातें आप तक भी प्रकट करूँ, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। आज जो हिस्सा है वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसकी 9, 10 और 11 आयत, और वहां यूं लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीमरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सब बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमोन और थुआतीरा और सर्दिस और फिलाडेल्फिया और लोदिकिया को। दोस्तों, यूहन्ना अब अपने बारे में बोलता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आए मेरे साथ, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे बाइबल अध्ययन पे चलें। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे। यूहन्ना यहां बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं। देखिए, यूहन्ना भी अपने आप को एक नम्र और दीन व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें ये बात सिखाता, वो बोल सकता था मैं कलीसिया का पिलर, मैं महत्वपूर्ण आदमी हूं, लेकिन उसने अपने आप को सबके समकक्ष रखा और ये कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं और यीशु के राज्य और क्लेश में तुम्हारा सहभागी, यीशु के राज्य के कारण, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के कारण जो क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में हूं जो क्लेश उठाते हैं, उनके साथ सहभागी। दूसरा वाक्य और तीसरा वाक्य ये कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। तीसरा वाक्य जो है, यीशु के वचन और गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन और गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। देखें, यूहन्ना अपने आप को नम्र और दीन करके उन सब लोगों के साथ एक भाई के रूप में, सहभागी के रूप में जो है गिनता है कि जो यीशु के राज्य के कारण जो क्लेश आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण से जो क्लेश उठाने पड़ते हैं, उसमें मैं भी क्लेश उठा रहा हूं, मैं तुम्हारा सहभागी हूं, तुम्हारा भाई हूं, पहली बात। दूसरी बात वो बोलता है कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम ही लेना नहीं चाहते, कई लोगों ने अपने नाम बदल लिए, कई लोगों ने परमेश्वर का बोले सब कहो लेकिन यीशु के नाम को मत लो।
सब कहो लेकिन यीशु के नाम को मत लो। लेकिन यूहन्ना बोलता है मैं यीशु के वचन और गवाही के कारण मृत्यु की सजा, जो मुझे काला पाने की सजा मिली थी पतमुस नाम टापू में। और जो शब्द ओरिजिनल इस्तेमाल हुए ब्रदर, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ एडोल्फोस, भाई हूं। और गवाही के कारण जो हो वो ये कि जो है वो दूसरा शब्द है कि क्लेश के लिए जो शब्द आया है थिप्सिस, और जो क्रश कर दिया गया हूं, कुचला गया हूं, कुचल दिया है मुझे, तेल निकाल दिया है मेरा शरीर को, मेरा प्रभु यीशु मसीह उस गतसमने बाग में जहां अंगूर का रस और वो जो है जैतून के बीजों का तेल निकाला जाता था, वहां उसका लहू भी पसीने के साथ निकलने लगा, उसका तेल निकाल दिया। तो आने वाले दिनों में मेरा भी तेल निकाल दिया, हम सबका तेल निकाल दें। जो शब्द है क्लेश थिप्सिस, इसका मतलब ये राज्य के लिए बेसिलिया, धीरज, पेशेंस, हुपोमनिसिस, धीरज। और शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में वचन लोगोस, वो शब्द जो परमेश्वर ने अपनी सारी महानता में ये करा कि हमें स्वर्गीय भाषा में नहीं पृथ्वी की भाषा में समझाने के लिए उसने जो कोशिश करी, सर्वश्रेष्ठ शब्द वह लोगोस। और गवाही के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ मार्चुरियन, गवाही, हमारे जीने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे सुनने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, हमारे चलने फिरने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, हमारे सूंघने का तरीका, हमारे चखने का तरीका, हमारे जीवन का तरीका, हमारी गवाही, हमारे काम, परमेश्वर का वचन, ये सब जो है इस बात की गवाही, इस बात की। और जो है यूहन्ना यही बोलता है, नम्रता पूर्वक ये बोलता है कि मैं तुम्हारा सहभागी यीशु के वचन और क्लेश के कारण यीशु के राज्य में तुम्हारा जो है। और ऐसा बोलते हैं कि सन 95 में पतमुस नाम टापू में जो है यूहन्ना को काला पानी की सजा दी गई परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के यीशु मसीह की गवाही के कारण वो क्लेश उठाने को तैयार है, मरने को तैयार है। और देखें एक प्रिंसिपल है, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय नहीं जानेंगे ना दोस्तों, तब तक आशीष नहीं आएगी। अपने प्राणों से प्रिय परमेश्वर को समर्पित करें, आप पाएंगे परमेश्वर ना आपको धोखा देगा, ना आपका मुंह कभी काला होगा, वो आपको उठाए फिरे प्राणों से प्रिय। और यूहन्ना यही बोलता है किसी भी चेले की मृत्यु नेचुरल नहीं है, सब अननेचुरल मृत्यु को प्राप्त हुए। आज वे कहां हैं? आज वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, नए यरूशलेम में, न्यू के पत्थर, न्यू के पत्थर,
और परमेश्वर चाहता है कि जो है ऐसा जो है जीवन हम सब जिए। अपनी मौत, ये देखिए ग्रीक में ये जो शब्द है ऐसा लिखे हुए हैं, वो जो हमारा प्रभु है यूहन्ना, मैं तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और राज्य में और धीरज में तुम्हारा सहभागी। ये पद्मूस दोस्तों आज ये वहां चर्च बना हुआ है, जहां यूहन्ना को रखा गया था वहां जो टापू है, और वो टापू जो है वो दो तीन अलग अलग देश उसको क्लेम करते हैं, लेकिन आज वहां बस्ती बना दी गई। ये वो जगह जहां यूहन्ना को रखा गया था, ये पद्मूस टापू में ये वो चर्च वहां बना दिया गया, और ये चर्च बाहर से और ये चर्च के बाहर का हिस्सा, ये वो पद्मूस टापू पीछे जो आप देख रहे हैं, आज बस्ती बस गई है यहाँ पर, और लोग इस जगह को अंदर से देखने आते हैं। यूहन्ना इस जगह में था, इस जगह इस गुफा के अंदर, ऐसा मान्यता है कि वो यहाँ पर था और प्रभु ने उसको यहाँ दर्शन दिखाए। ये पद्मूस नाम टापू आज ऐसा एक जो है यात्री लोग जो है यहाँ आते हैं देखने के लिए यूहन्ना के इस पद्मूस जगह को। ये रहा पद्मूस दोस्तों, और टर्की और सात कलिसियाओं के पास में ग्रीक आइलैंड, और जैसा मैंने कहा कि कई देश जो है इस पर अपना अधिकार जमाते हैं, लेकिन इसको एक स्वतंत्र देश करके ये लैंड घोषित कर दिया गया है, और जो है ये पद्मूस का हिस्सा पिरगमुन के कलिसिया के एथेंस के पास में भी, और टर्की भी इसके पास में पड़ता है, और ये जो कलिसिया है ये तुर्की में है दोस्तों, ये तुर्की में है। सो पद्मूस का ये जैसे एशिया का ये हिस्सा जो तुर्की में आज पाया जाता है, और पद्मूस ये वो हिस्सा है, और यहाँ काला पानी की सजा, और जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग बहुत सारे राष्ट्र इस देश को अपना हिस्सा करके घोषित कर चुके हैं, लेकिन कई जगह जो है कहा गया है कि नहीं इसको स्वतंत्र किया जाए, और एथेंस ग्रीस और तुर्की और अर्जेंटीना ये वो देश हैं, साइप्रस भी इसको अपना हिस्सा करके घोषित कर चुका है, लेकिन ये वो हिस्सा दोस्तों जहां पर जो है यूहन्ना पाए जाते थे। सो पद्मूस का ये हिस्सा आज एक जो है टूरिस्ट प्लेस बन गया, जहां पर जो है लोग घूमने के लिए आते हैं, और जो है देखते हैं कि वो हिस्सा कैसा है, और दसवीं आयत में लिखा है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरी का सब बड़ा शब्द यह कहते सुना। देखिए दो चीज दो वाक्य, लेकिन जो हम शुरू से बोल रहे हैं वो बोलता है यूहन्ना बोलता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द सुना। उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं, यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुल गईं, और उसने प्रभु को देखा। देखिए यूहन्ना वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन में उनके प्राइवेट लाइफ में उनका प्रिय चेला है, उनके साथ साथ बना रहता है, और फिर वो क्रूस के नजदीक भी अकेला चेला है, पुनरुत्थान के बाद वो परमेश्वर के साथ में, और
आपको याद हो प्रभु यीशु मसीह ने दो जगह तीन चेलों को लिया, वो याजक की लड़की को जब जिंदा किया तो इन तीन चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीन को लिया। जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पे चढ़े, इन तीन को लिया। इनकी आंखें पहले भी खुल चुकी थी, इन्होंने परमेश्वर को देखा, इन्होंने एलिया को देखा, इन्होंने मूसा को देखा, इनके आत्मिक कान खुल गए थे, इन्होंने पिता परमेश्वर की वाणी को सुना। और अब की बार फिर से पतमोस में इसके कान खुल गए, इसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और जो ओरिजिनल शब्द आ गए वो जो है मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपसे निवेदन करा था, प्रभु से मांगे कि प्रभु के इस पुस्तक को समझने के लिए हमारे भी आत्मिक आंखें खुलें कि हम प्रभु को देख सकें, हमारे भी आत्मिक कान खोलें प्रभु कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम आपको समझ सकें। बगैर इसके जो समझ है वो तो शैतान भी उपयोग में ला रहा है वचन को, लेकिन बगैर आत्मा के, बगैर आत्मिक आंखों के, बगैर आत्मिक कान के। सो दोस्तों, परमेश्वर के वचन में और शैतान के वचन में ये बेसिक डिफरेंस है। इस पुस्तक को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार समझने के लिए परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको ये दे। और प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, प्रभु का समय आया, और उसने कहा कि मैं आत्मा में आ गया, और प्रभु के दिन, और अपने पीछे तुरी का सा शब्द यह कहते सुना, अपने पीछे तुरी का सा शब्द यह कहते सुना, मेरी आत्मिक आंखें खुल गईं, मेरे आत्मिक कान खुल गए। पतमोस वो जगह हमने देखी दोस्तों, और वहां पर यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुल गईं, आत्मिक कान खुल गए, और प्रभु को अब वो देखने लगा, प्रभु को वो देखने लगा। और ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य है। बाइबल इन सब के बारे में बताती है। मैंने आपको बताया अब्राहम की आंखें, मूसा की आत्मिक आंखें, यहोशू की आत्मिक आंखें, जो है सैमसन और समुएल की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, एलिया एलिसा की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, गेहाजी की आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, बिलाम की आत्मिक आंखें, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों की आत्मिक आंखें। और अब जरूरत है हमारी है कि हम भी कहें प्रभु से, प्रभु अपनी बातों को समझने के लिए मेरी आत्मा को खोल दे प्रभु, कि मैं आपकी बातों को देख सकूं, आपको निहार सकूं, आपकी वाणी को सुन सकूं। दुनिया में अभी तक मैं अपने लिए जी रहा था, अब मैं आपके लिए जीऊं प्रभु। और प्रभु का दिन आ गया, प्रभु का दिन आ गया, और प्रभु ने अपने लोगों के बातों को जो है, प्रभु का दिन ये शब्द जो है बहुत जगह इस्तेमाल हुआ, बहुत जगह इस्तेमाल हुआ, कि पतमोस के अलावा प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय स्वर्ग खुला हुआ देखा, फिर उसने जंगल में देखा, और उसने बहुत सारी चीजें देखी। प्रभु का दिन आया। सो दोस्तों, ये वो प्रभु का दिन आया, और प्रभु ने जो है कहा अपने इस दास को कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो कुछ तू देखता उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है उसे उन सातों कलीसियाओं के पास
भेज दे, उन सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, और इफिसूस की कलीसिया और स्मुर्ना और पिर्गमून और थुआतीरा और सर्दीस और फिलाडेल्फिया और लोदिकिया की कलीसिया, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना से ये बात कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना से ये बात कह रहे हैं, जो कुछ दिखता है, जो मैं तेरे को दिखा रहा हूं, जो कुछ तू सुन रहा है, उसे मेरे लोगों के पास भेज दे, उसे तू मेरे लोगों के पास भेज दे। और यूहन्ना के द्वारा जो रचित पुस्तक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और प्रभु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम, जो बातें तूने देखी हैं उन्हें पुस्तक में लिख, और उन्हें सात कलीसियाओं के नाम, और वो कलीसियाएं जो है वो ये जो हमने पढ़ी दोस्तों, और जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो शब्द था जो प्रथम प्रोटॉस, जो अंतिम एस्क्याटॉस, लिख ग्राफो, ग्राफो, और एक और शब्द हमने देखा था लिखने के लिए, एक और शब्द इस्तेमाल होता लोगोस, लोगोस, और एक और शब्द ग्राफो, पत्थर पे जिसको लिखा जाता उसके लिए ये शब्द ग्राफो ग्रीक भाषा में इस्तेमाल हुआ, ग्रीक भाषा में इस्तेमाल हुआ दोस्तों, कि लिख और कलीसिया के दूतों के पास इनको भेज। ये वो कलीसिया, ये वो कलीसिया है दोस्तों, ये सातों कलीसिया एशिया में, तुर्की में आज भी इनके अवशेष हैं, आज भी इनके अवशेष हैं। और जब हम कलीसिया के दूतों को जो पत्र और जो बातें प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कही, जब हम उसकी ओर आएंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारी चीजें एक एक कलीसिया जो आज वर्तमान में है आप घर बैठे देख सकें, प्रभु के रहस्यों को जान सकें, प्रभु की बातों को जान सकें, और कौन सी कलीसिया कब आई, ये उसका एक सिंपल चार्ट है, इसका चार्ट है। और ये सातों कलीसियाओं के दूतों को लिख, सातों कलीसियाओं को लिख, और ये वो सातों कलीसियाएं, प्रभु चाहता है कि हम वो सात कलीसिया के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को प्रभु अपने वचन देते हैं, सातों कलीसियाओं को जो है। और ये सात कलीसियाएं, जैसा मैंने कहा कि ये वो सात कलीसियाएं, प्रभु ने कहा कि लिख, मैं प्रथम और अंतिम, मैं उत्पत्ति और अंत हूं, मैं जेनेसिस और रेवेलेशन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा। उन्होंने किसी स्वर्गदूत ने नहीं कहा, किसी बाइबल के हीरो ने नहीं कहा, ना मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, नूह, आदम, एलिया, एलिसा, प्रभु के चेले, यसाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, किसी ने ये शब्द नहीं कहा, ना पृथ्वी पर किसी देवी देवता ने ये शब्द कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम। सो दोस्तों, ये है हमारा परमेश्वर। So, वो चाहता है कि हम परमेश्वर के बातों को जान पाए। So, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। So, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिताजी, अपने दासों की आत्मिक आंखें खोलने के लिए, कि वे आपको निहार सकें, उनके आत्मिक कान खोलने के लिए कि वे आपकी वाणी को सुन सके, उनके आत्मिक हृदयों को खोलने के लिए कि वे आपकी बातों को समझ सके। प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में,
न सिर्फ जीवन के सेंटर वरन जीवन के एक एक बातों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं खुद भी सोचते समझते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace.